सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक हो गया आप सबका एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 GTA 5 के फैन मेड गेम्स बताने वाला हूं। हाँ भाई, जितने भी GTA 5 के फैन मेड गेम्स है ना, उसमें से सबसे बेस्ट 10 गेम्स मैं ढूंढ कर लाया हूं। तो यार देखो, इसी बात में वीडियो को लाइक तो बनता है, जिसने भी नहीं किया फटाफट से लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और यार देखो, एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को है ना बिना स्किप किए एंड तक वॉच कर लो, सारे गेम्स को अच्छी तरीके से देख लो एंड जो भी गेम पसंद आए वो जाकर डाउनलोड कर लेना। और हाँ भाई, मैं इन गेम्स के ना लिंक्स नहीं प्रोवाइड कर सकता क्योंकि यार सारे गेम्स है ना अलग अलग वेबसाइट पे रहे। अगर मैं लिंक्स दे दूंगा तो भाई यूट्यूब है ना थर्ड पार्टी स्ट्राइक वगैरह मार देता है। तो बस भाई मैं नेम्स यहां पर बताऊंगा, ठीक है, बस गूगल पर सर्च कर लेना, उसका एपीके मिल जाएगा तो वहां से डाउनलोड करके आप खेल पाओगे। तो यार देखो, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, ठीक है भाई, सारे गेम्स को वॉच कर लो यार बिना स्किप किए। तो चलो यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं नंबर 10th वाले गेम के बारे में, जिसका नाम है GTA 5 Test 0.3। अब बोलने को तो भाई एक बहुत ही कमाल का GTA 5 का फैन मेड गेम है जो कि फुल्ली ऑप्टिमाइज्ड है। हाँ भाई, लो से लो एंड डिवाइस के अंदर भी ये गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करता एंड इसके अंदर आपको फुल्ली लॉस सैंटोस की पूरी सिटी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ही बड़ा मैप मिलता है एंड आपको यहाँ पर खुद की एक ही कार देखने को मिल जाती है जिसे आप लेकर भाई यहाँ पर पूरी सिटी को एक्सप्लोर कर पाओगे। यहाँ पर डे नाइट भी होता है, यहाँ पर जैसी रात होती है ना तो सारे के सारे बिल्डिंग के लाइट्स भी यहाँ पर चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो भाई ओवरऑल गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, चाहो तो इसको भी ट्राई कर लेना। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 9th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है GTA 5 VR 1.4। तो भाई कुछ दिन पहले आपने ये गेम को देखा ही होगा यार, स्नो वाला गेम बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा था, GTA 5 का फैन मेड गेम। तो भाई बेसिकली इसके अंदर आपको दो कैरेक्टर मिलते हैं, फ्रैंकलिन एंड ट्रेवर, जहां पर भाई आपको एक सेकंड वाला मिशन मिलता है, ठीक है। GTA 5 का फर्स्ट मिशन का मैंने आपको गेम बता दिया था, तो भाई उसी का यहां पर कंटिन्यू पार्ट होने वाला है ये वाला गेम। इसके अंदर आपको यहां पर कार्स वगैरह ड्राइव करने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक फील देता है एंड भाई गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का है, फुली ऑप्टिमाइज भी है, बिल्कुल भी लैग वैग नहीं करता। तो चाहो तो भाई आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 8th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है GTA 5 Elite। तो भाई ये अब तक का सबसे बेस्ट हाई ग्राफिक्स वाला GTA 5 का फैन मेड गेम है। इसके अंदर आपको दो कैरेक्टर मिलते हैं, फ्रैंकलिन एंड माइकल। बस यार इसके अंदर के ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इसके अंदर आपको बहुत सारी कार्स मिलती है जिनको आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर भी कर सकते हो एंड भाई यहां पर मैप भी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, ग्राफिक्स भी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है। बस यार प्रॉब्लम एक ही है कि इसका मैप बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। अगर आपको एक बहुत ही कमाल का फैन मेड गेम ट्राई करना है तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 7th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है GTA 5 फैन मेड। अब बोलने को तो भाई एक बहुत ही कमाल का गेम है, इसके अंदर आपको ठीक ठाक ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है, ठीक है, बहुत ही हाई ग्राफिक्स मिलते हैं, गेम का मैप भी बहुत ज्यादा बढ़िया है एंड इसके अंदर भाई आपको पब्लिक भी देखने को मिल जाती है। हाँ भाई, जगह जगह पर पब्लिक घूमती फिरती भी आपको मिल जाएगी। बस गेम के अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है यार, ये गेम है ना 50% ऑप्टिमाइज है। हाँ भाई 50% है, मतलब थोड़ा थोड़ा लैग करेगा बीच बीच में, बस यार ये गेम की यही प्रॉब्लम है, बाकी आप इस गेम को भी ट्राई कर सकते हो, गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं भाई हमारे लिस्ट के टॉप 6th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है GTA 5 ऑप्टिमाइज। अब भाई जबकि नाम में ही ऑप्टिमाइज आ रहा है तो भाई गेम तो 100% यार फुल्ली ऑप्टिमाइज होगा ही, बिल्कुल भी लैग वैग नहीं करेगा। लेकिन भाई इस गेम के अंदर बहुत सारे प्लस पॉइंट भी हैं क्योंकि भाई इसके अंदर आपको भर भर के ट्रैफिक मिलता है, ठीक है, जैसे कि GTA 5 में होता है ना, कार्स ट्रक्स वगैरह घूमते फिरते आपको मिल जाएंगे एंड बहुत सारी इसके अंदर आपको पब्लिक भी देखने को मिल जाती है। भाई खेलते वक्त यार बिल्कुल GTA 5 का यहाँ पर फील आता है, बहुत सारे सुपर कार्स भी मिलते हैं जिनको आप अपनी तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हो एंड भाई फ्यूचर में इसके अंदर अपडेट्स आने के भी बहुत सारे चांसेस है। हाँ भाई इसका मैप भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो भाई ओवरऑल गेम बहुत ज्यादा कमाल का है, चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर लेना। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के टॉप 5th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है GTA 5 Test। अब बोलने को तो भाई एक फैन मेड गेम है ही, लेकिन भाई इसके अंदर आपको कुछ भी करने लायक नहीं है। मतलब यार बस आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर मिलता है, दो ही कार्स मिलती है, ठीक है, उनको लेकर ही आपको यहाँ पर घूमना होगा, बाकी यार कुछ भी नहीं है इस गेम के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पर एक गेम की प्लस पॉइंट ये है कि ये गेम बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज है। हाँ भाई इतना बड़ा मैप होने के बावजूद भी ये गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करता, बाकी भाई अगर आपको यहाँ पर गेम का मैप एक्सप्लोर करना है तो ही आप इस गेम को खेल लो, ठीक है, बाकी बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा, तो भाई चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर लो। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी लिस्ट के टॉप 4th वाले गेम की तरफ, जिसका नाम है GTA 5 Mobile 0.2। अब बोलने को तो भाई ये फुल्ली GTA 5 है यार एक टाइप से, क्योंकि इसके अंदर का जो मैप है ना वो काफी ज्यादा GTA 5 से मैच करता है। इसके अंदर की जो सिटी है, लॉस सैंटोस का मैप है, भाई सेम टू सेम रियलिस्टिक GTA 5 की तरह ही है एंड ग्राफिक्स भी आपको बहुत ही ज्यादा हाई देखने को मिल जाएंगे एंड यहाँ पर ट्रैफिक भी आपको भर भर के देखने को मिल जाता है, ठीक है, कार से चलते फिरते पब्लिक चलती फिरती मिल जाएगी। और बात करें भाई इस गेम के अंदर आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाएंगे, पहला प्रॉब्लम तो यह है कि इसके अंदर आपको एक ही कैरेक्टर मिलता है, ठीक है, वो तो भाई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई यार, एक ही कैरेक्टर हमारे लिए बहुत होता है, ठीक है, इसके अंदर आपको माइकल का कैरेक्टर तो मिल ही जाता है। प्लस यार दूसरा प्रॉब्लम यह है कि यह गेम आप सिर्फ हाई एंड डिवाइस में ही खेल पाओगे क्योंकि भाई गेम फुली तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आपके पास लो एंड डिवाइस हो तो भाई गेम काफी ज्यादा लैग होगा। अगर आपके पास यहाँ पर 4 से 6 GB रैम का फोन है तो ही इस गेम को डाउनलोड करके खेल लेना। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के टॉप 3rd वाले गेम की तरफ,
जिसका नाम है GTA 5 YM। अब भाई बोलने को तो एक GTA 5 का फैन मेड गेम है ही, लेकिन भाई GTA 5 से ये काफी ज्यादा मैच करता है। पहले तो बात इसके अंदर अगर आप क्राइम करते हो तो आपके पीछे पुलिस पड़ जाती है, और अगर आपको पुलिस पकड़ भी लेती है ना तो आप सीधा हॉस्पिटल में स्पॉन हो जाओगे, ठीक है, हॉस्पिटल से बाहर आओगे। तो भाई ये फ्यूचर आपको GTA 5 के अंदर भी देखने को मिली जाता है। वेल, अब बात करते हैं भाई गेम के बारे में। इसके अंदर आपको बहुत सारे कार्स मिलते हैं, ठीक है, मॉन्स्टर ट्रक मिलता है, सुपर कार्स, नॉर्मल कार भी मिलते हैं। एंड भाई गेम का मैप भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड बात करें भाई इसकी एक प्रॉब्लम के बारे में, वो ये है कि इसके ग्राफिक्स है ना थोड़े डार्क टाइप के दिखते हैं, बस इतना ही प्रॉब्लम है, बाकी भाई गेम फुल्ली ऑप्टिमाइज है, ठीक है। डार्क ग्राफिक हुआ तो क्या हुआ यार, GTA 5 की फील तो आती है ना, बहुत ज्यादा बढ़िया मैप है, ठीक है। तो भाई चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर लेना। अब हमारे लिस्ट के टॉप सेकंड रैंक पर आता है लॉस एंजेलिस क्राइम। अब बोलने को तो भाई एक बहुत ही कमाल का GTA 5 का फैन मेड गेम है ही, लेकिन भाई इसके अंदर आपको बस छोटा मैप मिलता है, बस यही प्रॉब्लम है। इसलिए गेम भाई फुल्ली ऑप्टिमाइज है, ठीक है, बिल्कुल भी लैग वैग नहीं करता। इसके अंदर आपको खुद का गैराज मिलता है जहां पर बहुत सारी सुपर कार्स ऑलरेडी होती है, जिनको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अपने कैरेक्टर को भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। भाई गेम बहुत ही ज्यादा कमाल का है। अब हमारे लिस्ट का नंबर 1 गेम आता है लॉस एंजेलिस अंडरकवर। तो भाई ये अब तक का सबसे बेस्ट GTA 5 का फैन मेड गेम है। हाँ भाई काफी टाइम से आप वेट कर रहे होंगे ना नंबर 1 वाले गेम के बारे में, तो भाई यही है। अब ये गेम को तो ऐसे ही नंबर 1 वाली रैंक नहीं मिली ना, क्योंकि ये गेम के अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा रियल GTA 5 से मैच करते हैं। जैसे कि देखो, फर्स्ट तो होगा क्राइम करना, ठीक है, क्राइम करने पर पुलिस तो पीछे लगी जाती है, लेकिन भाई अलग फैन मेड गेम्स के अंदर क्या होता था, अगर आप यहाँ पर बंदों को मारोगे ना तो बंदे भाग कर जाते हैं, लेकिन भाई इस गेम के अंदर वो बंदे आपको रिपीट में मारेंगे भी, अगर उनके पास गन होगी तो भाई निकाल कर ठोक भी देंगे। एंड भाई ये गेम के अंदर आपको GTA 5 की जरा पूरा लॉस सैंटोस का मैप देखने को मिल जाता है। एंड भाई बाकी सारे फैन मेड गेम में क्या हो रहा था, बड़ा मैप होने के बावजूद भाई गेम बहुत ज्यादा लैग करता था ना, ये गेम बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा यार, यही इस गेम की सबसे बड़ी खास बात है। क्योंकि भाई इतना बड़ा मैप होने के बावजूद भी गेम बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलेगा, बिल्कुल भी लैग वैग नहीं करेगा। एंड भाई ये गेम यहाँ पर GTA 5 से मैच इसलिए खाता है कि यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें मिलती है यार। जैसे कि देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप जो रोड पर गाड़ियां चलती होती है ना, वो भी आप यहाँ पर लेकर चला सकते हो, मतलब उसके अंदर जो बंदा बैठा होगा ना तो तुम्हारा कैरेक्टर जाएगा, उसको कैरेक्टर को निकाल कर बाहर फेंकेगा, खुद बैठकर कार चलाएगा। एंड इसके अंदर आपको तीनों के तीनों कैरेक्टर मिल जाते हैं, ट्रेवर, फ्रैंकलिन एंड माइकल। एंड यहाँ पर इस गेम के अंदर आप हेलीकॉप्टर को भी राइड कर सकते हो भाई, उड़ाकर पूरा लॉस सैंटोस का मैप घूम लेना। तो भाई ओवरऑल गेम बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, चाहो तो इस गेम को भी ट्राई कर लेना यार, बहुत ही कमाल का गेम। तो यही थे यार आज वाली वीडियो के कुछ कमाल के गेम्स। आई होप भाई एक ना एक गेम आपको जरूर से पसंद आए होंगे। बाकी मैंने आपको टॉप 10 बेस्ट गेम्स बता दिया भाई, जितने भी GTA 5 के सबसे बेस्ट गेम्स है ना वो सारे के सारे मैंने बता दिया। बाकी अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया भाई क्या कर रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और यार आप कॉमेंट नहीं करते भाई, कॉमेंट करके ये बताना कि भाई मैं नेक्स्ट वीडियो है ना किन गेम्स के ऊपर बनाऊ, ओपन वर्ल्ड चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, भाई किन टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊ, वो भी कॉमेंट करके बता दिया करो भाई, तो मुझे भी अच्छा टॉपिक्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलो यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।